या सिचुएशन लाइक से नो टू हेल्प एनीवन, मुझे ज़रूरत है आर्ट कार्ड, ना कोई दोस्त हेल्प कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज हमारे दो मिनट हैं, एक रिसर्च मेथडोलॉजी का और एक ड्राइंग का है। अल्लाह की कसम, कल मैंने एक मिनट के लिए भी डॉक्यूमेंट ओपन करके नहीं देखी रिसर्च मेथडोलॉजी का, जिसका मिड है। तो अभी यूनिवर्सिटी जाके ही देखेंगे, एक बार ही पढ़ के तो पेपर दे देंगे। और आज थे भी मेरे दो मिड, एक ड्राइंग का एक मेथडोलॉजी का। और ड्राइंग का तो कल बनाया था ना, जो डिज़ाइन ड्राइंग बनाई थी ना, जो सर आज यार का मैसेज आया, वो कहती कि सर कह रहे हैं ये मिड भी कंसीडर हो सकता है, नहीं भी हो सकता। ओह सो देखो, अल्लाह करे ना ही हो, इतना बकवास बना हुआ यार। एक्चुअली ना काम की बर्डन इतनी ज़्यादा है, पता ही नहीं लगता क्या स्टार्ट करें क्या नहीं। एक्चुअली ना टाइम मैनेज नहीं होता कि काम कौन सा स्टार्ट करें, और इसी चक्करों में ना टाइम ज़ाया हो जाता है। तो अभी बहुत ज़्यादा लंबे लंबे असाइनमेंट्स हैं, इसलिए समझ नहीं आती कि कौन सी स्टार्ट करें अभी, कौन सी नहीं करें। तो जिसकी वजह से आप लोगों ने नोट किया होगा, वैसे मेरा काम ठीक है, बट ना जब दिल ना कर रहा हो ड्राइंग करने का, तो मैं जब कहते ना मगरों लाने वाला काम वो करता हूँ, और अक्सर ऐसा हो जाता है। लेकिन वैसे ठीक है, दिल करता है काम करता हो, दिल कर रहा हो ना तो काम बड़ा अच्छा हो रहा होता है, ना कर रहा हो ना तो बस फिर मैं कहता हूँ मगरों लगते। सो यार आज क्लास जो है ना 10:30 बजे है, तो तकरीबन मुझे इधर से ना 9:30 बजे तक निकलना पड़ना है, क्योंकि मिड है। अभी मैं नाश्ता करने लगूँ, नाश्ता करने के फ़ौरन बाद ना मैंने यूनिवर्सिटी के लिए निकलना, नहाना है और यूनिवर्सिटी चले जाना। सो यार अब मैं निकलने लगा हूँ यूनिवर्सिटी के लिए, तो अभी जाना है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में जाकर देखते हैं क्या सीन है, 10:30 बजे पेपर है, तो जाकर उधर रिवीजन करनी है, ठीक है। सो यार यूनिवर्सिटी में पहुँच गया हूँ, भागो भागो भाई जाके कुछ रिवाइज करो पेपर, आधे घंटे के अंदर, यार आधा घंटा रह गया। तो मैं यूनिवर्सिटी पहुँच गया हूँ, बस काम स्टार्ट करने लगे, पढ़ना है कुछ रिवीजन करनी है। मैं अपनी बात कह रहा था, ये देखो सारे पढ़ रहे हैं, रट्टे लगाओ शराब भी तेरे पीछे बैठना मैंने। तो मुझे तुझे याद है बूटी तेरी, मैं ब्लॉग च पावांगा बूटी। मैंने एक बार भी डॉक्यूमेंट खोल के नहीं देखा कल से। मैंने एक बार भी नहीं ओपन किया, इतनी तैयारी की है कि कुछ भी नहीं आता। अब बस ये ब्लॉग को ना बंद करने के बाद मैंने स्टार्ट करना, अब पढ़ना है। नहीं नहीं, इसको फोन करके ना पसंद रख के फिर याद करें, फिर आपको जल्दी हो जाएगा। सो यार लेट्स गेट स्टार्टेड, अब करते हैं अपनी तैयारी स्टार्ट, थोड़ा सा पढ़ लें यार, यही ना हो सप्ली आई हो, वैसे आज तक कभी आई नहीं ना डी ए है, तो इस बार एक ग्रेड ही लगा हर सब्जेक्ट में इंशाल्लाह। सो यार नाम का याद हो गया, ये भाई अभी तक फिलहाल रट्टा लगा रहे, आधी वहाँ वहाँ पर रट्टा लगा रही है, ये हमारा सी यार। ओए सी यार, सारा याद हो गया ना तुझे, देख हमें भी बैठे याद कर रहे हैं, हो गया वैसे एक बार क्लियर हो गया सारा चीज़, सारी चीज़ें जो भी याद करना, बस पेपर देना है। पेपर अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, आधे घंटे बैठे हो गए रहने, जैसे पेपर स्टार्ट होगा पेपर जल्दी से जो रट्टा लगाया वही लिख। तो यार अभी पेपर दे के बैठा हूँ, इतना मज़ा आया ना, पेपर बहुत अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, फुली आए रहेंगे नंबर, एक दो ही कटेगा अगर कटा भी ना। तो मेरे तेरे कितने मार्क्स आए हैं नंबर लगे ना, तो कितना पेपर किया तूने, सारा हो गया अच्छा हो गया, मेरे भी एक दो ही नंबर कटेगा। सो यार मिड हो गया हमारा मेथडोलॉजी का, ड्राइंग का डेमो होगा, पता नहीं क्या होगा, शायद रीडू हो मिड इसका, या पता नहीं यही मिड कंसीडर होगा। अब ये सारी आगे बताएंगे कि क्या करना है। तो अभी हम वॉन्ड्रिंग कर रहे हैं पूरी यूनिवर्सिटी में, डिस्प्ले वगैरह देख रहे हैं, मॉर्निंग वालों ने काम किया बस, या वो उनका काम इतना कोई ख़ास नहीं था, मॉर्निंग वालों बैच का ना, हमारे बैच के, हमारा काम अच्छा होगा इंशाल्लाह हमारे बैच का, तो इंशाल्लाह वो दिखाएंगे आपको डिस्प्ले। अभी अबू सर बताएगा कैसा था डिस्प्ले, अबू सर मॉर्निंग वाला। इंशाल्लाह हमारी क्लास का डिस्प्ले जब होगा ना स्टारी नाइट, कल अगर कंप्लीट हो जाए, टाइम ना मांगे, मंडे को उसका डिस्प्ले होगा ना, तो मैं कहता मज़ा आएगा इंशाल्लाह, अच्छा काम करेंगे सारे। काम बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, अभी इसको माउंटिंग करनी है, माउंटिंग करने के बाद सबमिशन देनी है इसकी 3:30 बजे तक, मिड है ये हमारा मिड ही है। सो यार कुछ फाइनली इतना बन गया। सो ये डिसाइड हो गया है कि ये ही हमारा मिड है ड्राइंग का, तो अब इसी को सेटमेंट कर रहा हूँ, कुछ ऐसा बना अभी तक काफ़ी पड़ा हुआ है यार, मैंने तो बहुत गंदा बनाया, बच्चों ने देखो कितना ज़बरदस्त बनाया हुआ, देखो कितने प्यारे प्यारे करेक्टर बनाए हैं, अभी बन भी रहे हैं,
मेरा देखो बुस्सी हुई इमोजी यार सिचुएशन लाइक से नो टू हेल्प एनीवन कसम अल्लाह की अब मुझे ज़रूरत है आर्ट कार्ड की ना फरूख भाई है ना कोई दोस्त हेल्प कर रहा है खुद को हेल्प चाहिए होना तो भाई सब सब लोग आ जाते हैं लेकिन आज कहीं नहीं आ रहा अपनी मुझे हेल्प चाहिए ना अहमद तू बता क्या करना है आर्ट कार्ड का यार कसम से अब जरूरत है ना कोई नहीं दे रहा वरना पड़े रहते हैं इधर ही वैसे कोई नहीं दे रहा यार ना वो फरूख भाई का पता लग रहा है किधर है सो यार मैं घर आ गया था यूनिवर्सिटी से आज का दिन बैडली मेरा बहुत ज़्यादा बुरा दिन गुजरा क्लास फेलो से मैंने इतनी हेल्प मांगी हर बंदे से मैंने चीज़ें मांगी मैंने कहा यार मुझे आर्ट कार्ड चाहिए माउंटिंग चाहिए मैं जब भी किसी को ज़रूरत पड़ती है ना मैं हाजिर होता हूँ हर चीज़ की मैं कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ हर चीज़ को अवेलेबल करता हूँ उनके लिए बट जब मुझे ज़रूरत चाहिए होती है ना कोई भी नहीं आता जिससे भी मांग लो ये मेरे उस फ्रेंड की है ये उसकी है बेशक वो इजाफी भी पड़ी हो तो ऐसे ही मुझे सुनने को मिलता है लेकिन जो हेल्प करता है ना उसको उसके काम भी आना चाहिए लेकिन नेक्स्ट टाइम अब मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखेगा मैंने अब से ना एक चीज़ रख लेनी है कि जो भी मेरे से चीज़ मांगने आएगा ना मैं उसके उसका फाइन लेना मैंने कहना मुझे पैसे दे फिर चीज़ दे बेशक वो एक कच्ची पेंसिल क्यों ना हो और वो पैसे मैं अपने पास नहीं रखूँगा बेफिक्र हो जाओ ये ड्राइंग का मिड था कोई मजाक नहीं था आज जो हुआ मेरे साथ किसी ने भी एक माउंटिंग का पीस होता है क्या औकात रखता है मेरे पास देख लो वो पड़े पड़े हैं कितने ज़्यादा आर्ट कार्ड पड़े हुए हैं लेकिन ये चीज़ें मैटर नहीं करती इन्हें या तो बताना चाहिए क्लास फेलोज को जो भी हैं रिप्रेजेंटेटिव CR वगैरह इनको बताना चाहिए था कि घर से माउंटिंग करके लानी है या फिर माउंट होके सबमिशन होगी अचानक माउंटिंग का कह दिया तो ना किसी ने हेल्प की है कोई नहीं नेक्स्ट टाइम सही हमने भी क्रूअल हो जाना है जैसे क्रूअल वर्ड है ना वैसे बन जाना है इंशाल्लाह मैं अब खाना खाने लगाऊँ खाना खाने के बाद ना मैंने ये वाला काम स्टार्ट कर देना है तो खाना खाने के बाद काम स्टार्ट करेंगे ठीक है कोई नहीं आज जो हो गया ना उसको इग्नोर करो मैं बस अपनी ऑडियंस से बात करूँगा आज से मेरा कोई दोस्त नहीं है ये कुछ अभी इतना बना है अब मैं मोबाइल लगाने लगा हूँ चार्जिंग पे यूनिवर्सिटी से आगे मैंने इतना तक कर लिया अभी मैं इसको काम करूँगा फिर जब चार्ज हो जाएगा फिर वहाँ से कैरी ऑन करूँगा रिकॉर्डिंग मोबाइल हो गया था चार्ज अभी ये पोर्शन कंप्लीट हो गया यहाँ तक ये फुल कंप्लीट हो गया तो अब मैं थोड़ा रिलैक्स करने लगा यार जब से यूनिवर्सिटी से आना सिर्फ 2 घंटे मैंने वेट किया है रेस्ट की है उसके बाद कंटिन्यूसली मैं काम कर रहा हूँ 4 बजे मैं आ गया था यूनिवर्सिटी से तो अभी टाइम हो गया है 11:30 रात को बना है मुझे दिखा देता हूँ आप लोगों को ये पोर्शन बन गया ये बन गया ये बन गया ये बन गया ये बन गया इस पर मैं वर्किंग कर रहा हूँ ये भी बन गया तो ऑलमोस्ट अभी 10-15% बना है अभी तो बहुत ज़्यादा दूर है बहुत टाइम लगे तो ये देखें यार इतनी की बनी है स्टारी नाइट अभी तक बहुत ज़्यादा काम करना है कल भी करूँगा इंशाल्लाह सो यार फाइनली मैं अब थक गया हूँ जान निकल रही है अब थकन से ना मेरी जिस्म टूट रहा है और ऑलमोस्ट 11:55 हो गए 12 बज गए तकरीबन 12 बज गए तो अब काम को मैं ना बंद करने लगूँ इंशाल्लाह सुबह ही उठ के ना काम पर लग जाना सारा दिन काम करना कल भी परसों भी इंशाल्लाह अच्छा काम करना है तो बस आज के लोग देखते हैं ना आज के लोग बस इतना ही था मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग